मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी कर दिया है। गुरुवार को प्रदेश में भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार होने की वजह से भट्टी की तरह तप रहे हैं। प्रदेश में सबसे गर्म गुना रहा। आपको बता दें, दो तीन दिन से ग्वालियर, चंबल और निमाण की गर्मी अब मालवा, निमाण में शिफ्ट हो गई है। इसी वजह से इंदौर, उज्जैन, खंडवा, शाजापुर भी भट्टी की तरह तप रहे। अगर तापमान की बात करें तो प्रदेश के 8 जिलों का तापमान 44 से 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है और प्रदेश के आधे हिस्से में लू का अलर्ट जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। हाँ, एक्चुअली राजधानी भोपाल में कल जो तापमान दर्ज किया गया अधिकतम, वो 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सर्वाधिक है इस सीजन का। और उसके साथ ही जो देखते हैं, सबसे अधिक सर्वाधिक तापमान जो है गुना में दर्ज किया गया, जो कि 46.6 डिग्री सेल्सियस है, तथा रतलाम में जो है लू का असर रहा। और बाकी बहुत से जिले जो है नॉर्थ ईस्ट एमपी और वेस्ट एमपी के बहुत से जिलों में जो है हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल की है। आगे आने वाले समय में किसी तरह की राहत देखने को मिलेगी इस तरह के मौसम? नहीं, आने वाले समय में जो है राहत तो थोड़ी कमी दिख रही है, क्योंकि कोई सिस्टम्स एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। अभी हम हर रोज सिस्टम्स को रिव्यू करते हैं हेडक्वार्टर द्वारा, तो तब अपन पता चल करा सकते हैं। लेकिन अभी जो है हमें पूर्वानुमान जो दिया है आने वाले 4 दिनों के लिए, हीट वेव कंडीशंस नॉर्थ वेस्ट एमपी और वेस्ट एमपी के अनेक जिलों में जो है प्रिवेल करेगी। सेंट्रल एमपी के कुछ जिलों में भी हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल करेगी।